ये जो फैसला है बिल्कुल ही बेबुनियाद है। आप तो सारी रात बाजार खुला रखोगे, आपको एक्चुअली लाइफ बैलेंस नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है। दूसरा, आपके पास सिस्टम गेट अप नहीं है। और तीसरा, जस्ट बिकॉज एक भाव है कि यूएस मार्केट्स रात को खुलती हैं तो आप टाइम डिफरेंशियल कर लीजिए। हाउ कैन यू बी सो हैव सो मच ऑफ यू नो एम्पथी टुवर्ड्स ह्यूमन लाइफ। आपको ठीक करना है तो आप इंडेक्सेस ठीक करिए कि बैंक निफ्टी पे एचडीएफसी बैंक का वेटेज 38% है और बैंक निफ्टी घटता है तो एचडीएफसी बैंक घटता है तो बैंक निफ्टी 4,000 पॉइंट घटता है। फंडामेंटल चेंजेस करिए। ये जो दिखाने के लिए 12 घंटे या 4 घंटे बढ़ाना, ये सबको असूलियत दे, ये सबको मुसीबत देगा। इट इज नॉट वर्थ इट। सेकेंडली, देयर विल बी इललिक्विडिटी व्हिच विल डैम्पन द मार्केट एंड ऐड टू मोर वॉलिटिलिटी। एंड थर्डली, जो बेचारे बाहर बैठे वाले हैं वो 6 से 9 घर का काम करने की बजाय इसी चक्कर में, ट्रेडिंग के चक्कर में फंस जाएंगे। आई एम टोटली अगेंस्ट इट। जैसे चल रहा है सिस्टम वैसे ही चलने दीजिए, आपको इसमें फेरबदल की जरूरत नहीं। आपके साथ ही सहमत हूँ सर, मैं भी थोड़ा दबे स्वर से बोल सकता हूँ, आपके जैसा इतना ब्रेव तो नहीं हूँ, बट ये मैं भी आपके साथ सहमत हूँ कि भाई टाइम मत बढ़ाओ, थोड़ा ध्यान रखो सबका, थोड़ा ध्यान रखो अरे सबका। बहुत बहुत डिम्पी जी, अगर शुक्रिया, थैंक यू आवाज वेरी मच, आवाज नहीं आज आपने समय उठाओगे, दिया। अगर आवाज नहीं उठाओगे तो फिर क्या हुआ इसका। और साथ में हमें, मेरे को 35 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। पहले बाजार खुलता था 12 से 2:30, उसके बाद चलो टेक्नोलॉजी, लेकिन अब ये सारी रात थोड़ी। आप यू सी एवरीवन्स वर्क लाइफ बैलेंस गेट्स अफेक्टेड, क्योंकि सबके पास स्टेक होता है, क्लाइंट्स का, अपना पोर्टफोलियोस का। और उसको इलिक्विडिटी से स्टार्ट करके आप उसमें और यू नो फेर बदल करने से कोई तुक नहीं होना, बिकॉज इन द एंड द वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। आज आप अपने आप ही देख सकते हैं कितनी वॉल्यूम्स है। आपको और बता दूं, मैं जब हांगकांग में था वहां दो दो ब्रेक होते थे लंच के लिए। चाइनीज कहते थे वी वर्क टू ईट, नॉट ईट टू वर्क। आप तो 5 मिनट का आज भी ब्रेक नहीं देते कि मनीष ने खाना खाने जाना है तो भी उसे सोचना है कि 3:30 बजे, अगर वो 4 बजे खाना खाएगा तो उसकी हिस्से तो खराब हो ही हुई। तो आप पहले अपने आप को तो सुधारो कि आधा घंटे का ब्रेक तो दो लंच के लिए। कौन सा शेयर बाजार भागे जा रहा है, आधे घंटे में कौन सा कोई रुक जाएगा। जी सर, सही बहुत शुक्रिया कह सर, थैंक यू वेरी मच आपके इस गंभीर और बेहतरीन टेक के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।